इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है भाई 3m, ये लिया भाई हमने सभी ने। इसके अंदर हमने ऐसा क्यों लिया, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा हमारे पास, हमें ये पता है कि रिमाइंडर लेस देन 3 रहेगा। लेस देन 3 का मतलब रिमाइंडर 0, 1 और 2 रहेगा। तो जब हम रिमाइंडर का केस 1 लेंगे 0, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, a क्यूब जो a है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास 3m प्लस 0 के। देन क्यूबिक करनी है बोथ साइड, क्यूब करोगे बोथ साइड तो क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m का होल क्यूब, 27m क्यूब। क्या कॉमन आएगा यहां से 9, क्योंकि हमें कॉमन क्या लेना है 9, क्योंकि हमें जो नंबर है वो किस फॉर्म में बनाना है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन तीन फॉर्म में हमें नंबर को बनाना है। तो इसीलिए हम यहां से अब कॉमन क्या उठाएंगे 9। तो जब हमने यहां से 9 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या आएगा 3m क्यूब, m क्यूब। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा 9q की फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास इंटीजर, आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर आ रही है एकदम। यस सर, यस सर, यस सर, आवाज नहीं आ रही सर, आ रही है, आ रही है सर, क्लियर आ रही है एकदम सर, आ रही है। ठीक है भाई, केस टू देखो। केस टू में जब रिमाइंडर 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे a किसके इक्वल हो जाएगा 3m प्लस 1 के। देन हम क्यूबिक करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यूब, वो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी। तो क्या होगा यहाँ से 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9m 3m प्लस 1, ये कितना हो गया 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 1 9m। कितना को बना यहां से इन तीनों में से 9, तो अंदर क्या बचेगा 3m क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस m, प्लस में कितना हो गया 1। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर बनेगा तो ये किस फॉर्म में हो गया 9 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में। हाँ भाई, आया समझ में? यस सर। एक मिनट, केस नंबर 3 कर लोगे भाई सभी? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है भाई, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी स्टूडेंट ने इसको 9m से किया है? यस सर, मैंने। यस सर, किस किसने किया है? यस सर, किया है सर, मैंने किया है। तो 9m से करोगे, कर सकती हो, कोई गलत नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप इतनी पॉसिबिलिटी का क्यूब करोगे तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वहीं पे ही आप बैठे रह जाओगे पूरे पेपर में, आधा घंटा उठा लेगा ये क्वेश्चन 9m, देन आप इसकी क्यूबिक करोगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम a को 3m जैसा भी ले लें और वहां से सिर्फ ये तीन ही केस आएंगे 0, 1 और 2, तो जिससे हमें ऑब्जर्व हुआ कि ये तीन केस लेने से भी हमारी जो गिवन कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो हम क्यों 9m की फॉर्म में लें। अगर आपको आइडिया नहीं आता तो आप ये ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, बट एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टाइम आधा घंटा लग जाएगा।
तो शॉर्टेज के लिए हम क्या लेट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3m, जिससे क्या होगा हमारे तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाँ भाई आया समझ में? Yes. अभी एक चीज देखो, शॉर्टेज शॉर्ट बताता हूँ आपको, ये कैसे आप चेक कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। जैसे देखो यही क्वेश्चन हम लेते हैं, हमने लेट किया a इज इक्वल टू 3m, तो सारा का सारा गेम रिमाइंडर का है। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है ये बताओ, 0, 1, 2 ये हो सकता है भाई। Yes, sir. अब देखो आपको जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्यूबिक क्यूब करना है क्वेश्चन में, बोलो भाई। यस सर। तो आप क्या करो, रिमाइंडर का क्यूब कर दो, 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब। तो 0 का क्यूब कितना आएगा, 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ये तीनों की तीनों जो आंसर आ रहे हैं, क्या ये हमारे गिवन क्वेश्चन से लेस है? गिवन क्वेश्चन का जो डिवीजर है उससे लेस है या नहीं है? है सर। है सर। है, इसका मतलब यही तीनों आपके पास लास्ट में रिमाइंडर बचेगा। अब देखो जैसे अगर मानो जिस स्टूडेंट ने 9MC किया है उसको हम चेक करते हैं, आपने 9MC किया है किसी ने, उसका हम चेक करते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। अब इनका सभी का क्या कर दो, क्यूब। तो क्या आएगा, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पे देखो जो ये 27 है वो डिवीजर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। हाँ भाई हेमंत आपके नेटवर्क इश्यू है भाई, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ये यहाँ पे जो है हमारे डिवीजर की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई। Yes, भाई Yes, तो क्या ये डिवीजर का मल्टीपल है? No, sir. क्या ये नंबर डिवीजर का मल्टीपल है? अगर इस नंबर को 9 से रिमाइंडर क्या आएगा, 3, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा सर, 0। इसका मतलब देखो 0, 1, 8 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, फिर 0 आ गया फर्स्ट वाला। हाँ भाई। यस सर। जब 0 का क्यूब किया 0, पहले क्या आया 0, 1, 8, फिर दोबारा से क्या आ गया 0। अब 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होगा, 16। 9 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 1 आएगा सर। स्टार्ट होगी ना 0, 1, 8, फिर दोबारा से क्या आया 0, 1। अब 5 का क्यूब करो कितना आएगा, 125 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा रिमाइंडर, करके देखो 8 35 कितना आएगा, 9 3 27 कितना बचा रिमाइंडर, 8। तो इस केस में कितना रिमाइंडर आ रहा है, हेलो। तो एंड सो ऑन। तो देखो अब हमारे पास यही तो आंसर है, 0, 1, 8, 0, 1, 8। तो इसका मतलब इसके आंसर रिमाइंडर्स क्या आएंगे, ऑलवेज 0, 1 और 8। आगे इसका भी चेक कर सकते हो, 6 और 7 और 8 का। ओके सर। में बोलो भाई। यस सर। आ गया क्वेश्चन हम लेते हैं जो हमने दिया था ना अभी, उनको भी हम एक बार एक से चेक करते हैं कोई और क्वेश्चन लेके।
फिर उसमें देखते हैं कैसे. देखो एक क्वेश्चन और लिया आपने, उसमें देखना शॉर्ट में कैसे होगा. सर दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ जी सर दोबारा ज्वाइन करना है क्या? हाँ कर लेना भाई, आज हम आगे करेंगे, अभी हम कल का ही डिस्कस कर रहे हैं सारा. देखो हमें ये गिवन है a इज इक्वल टू 4m, तो हमें ये चेक करना था कि ये जो नंबर होगा हमारा तीन फॉर्म में होगा, 4m, 4m plus 1 और 4m plus 3, इसका क्यूब. तो अब इसको चेक करो. तो देखो हम चेक कर रहे हैं रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3, यही होगा भाई. यस सर. अब इनका क्यूब करो, कितना आएगा 0 का क्यूब? 0. 0 का मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, 4m प्लस 0 लिख सकते हैं इसको. दूसरा है 4m प्लस, तीसरा है 4m प्लस 3, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई ये वाली. सेकंड 1 का क्यूब 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना है 1. सेकंड 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8. हाँ भाई 8 आएगा. यस सर. फोर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? जीरो. जीरो. क्या भी नेक्स्ट देखो, 3 का क्यूब कितना होएगा? 27. यस सर. 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3. करके देखो डिवाइड कितना आएगा? 6 24. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये तीन रिमाइंडर गिवन थे ना, 0, 1 और 3. शॉर्ट मेथड आया समझ में भी कैसे करना है अगर वन वर्ड आ रहा है तो? आया भाई समझ में कैसे करना है? बिल्कुल शॉर्ट में ये वन वर्ड में अगर आ जाए, और आपको पता भी होना चाहिए कैसे करते हैं. आया भाई सभी को समझ में? यस सर. यस सर. अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं भाई. देखो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आती है भाई. नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सभी बुक खोल के बैठे पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. यस सर. अगर आपसे कोई स्टेट पूछे तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अरिथमेटिक का मतलब पता है क्या होता है? देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. Every composite number can be expressed as a product of its prime number, and this factorization is unique. ये theorem कहती है भाई कि जो भी हर एक composite number को हम express कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर. जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, मैंने कहा 36, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो क्या आएगा? 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 10 किया 3 बन जा 3. तो 36 को आपने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3.
क्या ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी? हाँ भाई बताओ, क्या 36 को किसी और वे से लिख सकते हो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में? नो सर। जैसे नो सर 36 कहेंगे कहा हमने, या 1 × 36 कहा, तो क्या ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम है? क्या 4 एक प्राइम नंबर है भाई? नो सर। तो इसीलिए इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। क्या 18 एक प्राइम नंबर है? नो सर। तो इसको इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। क्या 36 एक प्राइम नंबर है? नो सर। नो सर। 1 भी प्राइम नहीं है, इसीलिए इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। बट जो हमने ये फॉर्म बनाई, क्या 2 प्राइम था? यस सर। Yes, 2 भी प्राइम है। Yes, sir. और ये 3 भी प्राइम है, और ये 3 भी प्राइम है। इट मींस ये सारे की प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स की। ये सारे प्राइम नंबर्स की, तो इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर में। आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है इसमें कि ये जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है, क्योंकि ऐसी आप कोई अदर फैक्टराइजेशन नहीं बना सकते इस नंबर की। अगर आप और बना रहे हो तो वो सभी की सभी गलत है। तो इसीलिए ये फैक्टराइजेशन कैसी होती है, एक यूनिक फैक्टराइजेशन होती है। मतलब और आप इस नंबर की फैक्टराइज नहीं कर सकते किसी भी मेथड से कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आए। बताओ भैया, है समझ में यहां तक? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, ये जो थ्योरम है अपनी बुक में 1.2 थ्योरम है। हाँ तुम्हें तो यही करवा दिया था। बताओ भैया, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं एचसीएल। ये देखो लास्ट टॉपिक है आज का, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करने भाई। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हमें नंबर गिवन है 6 and 20। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, ये सभी आपने किया हुआ है। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट या लीस्ट? दोनों सर। वन एफ एक्स या एम एक्स क्या होती है ईशान? फुल फॉर्म सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल एलसीएम क्या फुल फॉर्म होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे बड़ी बात है फैक्टर को समझना। क्या होता है फैक्टर? जैसे मैंने 10 लिखा, 10 को क्या लिख सकते हो? 2 × 5 = 10। तो 2 और 5 की 10 की क्या है फैक्टर्स? 2 और 5 इस 10 की क्या है भाई? फैक्टर्स। मतलब कि वो नंबर जो हमारे कंप्लीट नंबर को डिवाइड करे वो फैक्टर होता है। आया भी समझ में फैक्टर क्या होता है? अब देखो जैसे 6 और 10 = 20 है अपने पास क्वेश्चन में, तो 6 का हमने फैक्टर्स बनाए, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3।
तो सिक्स को आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री इंटू वन। तो देखो ये टू थ्री और वन इस सिक्स के क्या है, फैक्टर्स। टू थ्री और वन इस सिक्स के क्या है, फैक्टर्स। ऐसे ट्वेंटी देखो, ट्वेंटी को करोगे टू, टू फाइव जा फाइव वन जा फाइव। तो ट्वेंटी के क्या फैक्टर्स आए भाई हमारे पास, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू वन। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, टू टू वन वन भी आए। एच सी एफ क्या होगा हमारे पास, टू और वन। एच सी एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, टू टू। एलसीएम क्या होगा इसी नंबर का, टू वन। जो कॉमन आते हैं उनको तो एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो अदर्स रह गए सभी की सभी को लिख दो। कितना आ गया इसका एचसीएफ, एलसीएम सॉरी 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। बताओ भैया आया समझ में? यस सर। अब देखो और इजी मेथड से कैसे निकालते हैं, इससे भी इजी। देखो कैसे, एक ही चीज में दोनों निकाल देंगे हम, क्योंकि जो मैंने अभी सिखाया है उसमें 80% स्टूडेंट का गलत होता है क्वेश्चन, 100% सही नहीं होता, 80% बच्चे तो गलत करके आते हैं जो मेथड मैंने अभी कराया है, क्योंकि उसमें एलसीएम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपको। तो जो मैं अभी करा रहा हूँ इसमें 100% करेक्ट होगा आपका ये क्वेश्चन। देखो कैसे, जैसे आपको दो नंबर दिए 120, आप इनका एक साथ निकालो, आप इनका क्या करो एक साथ निकालो। अगर आप एक साथ निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों से डिविजिबल हो, टू टू टू। सर्कल लगाओ, टू एक टू वन जा जीरो। क्या अब इसमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है? नो सर। कोई कॉमन डिविजिबल नंबर आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा। हमारा हो गया एचसीएफ, ये टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, नंबर आने बंद हो जाए, उसके बाद जितना बच गया वो एलसीएम, उसके बाद वो सारा का सारा एलसीएम। ओके सर। आया भाई समझ में ये मेथड? यस सर। यस सर। कर सकते हो, थ्री वन जा थ्री ये टेन एज इट इज, फिर टू से हमने किया टू फाइव जा टेन, और फिर हमने फाइव से किया फाइव वन जा फाइव, ये कर सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं है। बस मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया इन दो नंबर्स में जो कॉमन आए उसको पहले लिखो, उसके बाद आपको लगता है कि दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए, फिर बाकी जो ऊपर सारे सर्कल किए थे वो सारा एलसीएम बन जाएगा, और सारा का सारा बाकी क्या है एलसीएम। बताओ भैया आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। देखो एक क्वेश्चन देखो, इसमें बताना भाई कैसे, सर एक बार फिर से समझाना, क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से समझाना। एलसीएम कहां से, कौन बोल रहा है भाई? सर आपके आवाज, देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास 96 और 404। अब इसमें देखो, अब हम इसको करते हैं, इसमें हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम।
इसके बाद एक मेथड और सिखाएंगे इसी को निकालने का. देखो हमने सबसे पहले क्या किया, 96 और 404, इनमें देखो कॉमन कितना आ रहा है, मिनिमम टू. डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 48 202. आप दोबारा इसमें टू कॉमन आ रहे हैं? यस सर. यस सर. इसको फिर सर्कल करो, कितना आएगा? 24 101 101. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा हूँ इसमें, 3 आ रहे. हाँ भाई. नो सर. नो सर. नहीं आ रहा. कॉमन नहीं आ रहा. तो HCF क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, और LCM क्या हो जाएगा, 2 into 4, करेक्ट, into 24 101. ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM 9696. यस सर. बताओ भाई इसमें कोई डाउट? नो सर. ओ सर. ये मेथड इजी लगा या नहीं सर? है. है सर. मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट इसी मेथड से करना भाई, क्योंकि इसमें एरर नहीं आएगा. और जो सेपरेट सेपरेट करते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है कॉमन लेने में. ठीक है भाई. ओके सर. ओके सर. एक नया मेथड और देखो, HCF एंड LCM बाइंडिंग का. क्या ले सकते हैं बोलो? ये 96 into, ये लिखोगे 96 into 400. अरे ये बता, ये जो 2 था वो इस दोनों में से कॉमन आया ना, और कॉमन नंबर को तो एक ही बार लिखा है, दो बार कहाँ लिखा है कॉमन नंबर? ये जो हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 तो दोनों से डिविजिबल हो गया ना. ये 2 तो एक ही बार आया है, दो बार कैसे आया? नेक्स्ट मेथड देखो भाई, HCF एंड LCM फाइंड करने का. आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे हमें 26 और 91. तो इसमें देखो, फर्स्ट हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं. देखो LCM फाइंड करने का जो हमने स्टार्टिंग में किया था, 26 1 26 26 2 52 26 3 78 78. कितना आएगा माइनस करोगे तो? तो HCF कितना हो गया हमारे पास? 13. अब यहां से आप इसी मेथड से करो जो मैंने अभी कराया है. कितना मल्टीपल कॉमन आ रहा है? 13. क्या कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? नो सर. इस केस में भी HCF कितना हो गया हमारे पास? 13. एक मेथड हमने ये करवाया है 26 से, 13 बन जा 13, और फिर हमने किसका किया, 91 का. किस पे करेंगे इसको? 13 पे. 7 बन जा 7. तो देखो 26 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 into 13 into 1. 91 के क्या हुए, 13 into 13 7 into 1. कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास? 13 और 1. तो देखो तीन मेथड से निकाला, तीनों से HCF कितना आ रहा है? 13. सेम 13. अब LCM निकालने के तीन मेथड देखो, जिससे फर्स्ट से हमने जो HCF निकाला है उसका एक फॉर्मूला नोट कर लो. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF into LCM. एक फॉर्मूला होता है भाई,
फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है कितना है, फर्स्ट नंबर 26 तो सेकंड नंबर 91 इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 26 इनटू 91 डिवाइडेड बाय 13, 13 टू जा 26, 91 टू जा एलसीएम कितना आ गया 182। ये मेथड आया भाई समझ में? यस सर। अब यस सर, इसका एलसीएम सेकंड मेथड से 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 ये होगा भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो 182। अब यहां से देखो तो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड में एलसीएम का क्या मेथड होगा, जो कॉमन आया उसको लिख दो पहले और बाकी जो रिमेनिंग्स रह गए, 26 में रिमेनिंग क्या रहा था 2, 9 रिमेनिंग 7, तो क्या बन गया ये बताओ, 182। तो ये तीनों मेथड में सेम आंसर आएगा भाई। यस सर। बताओ भाई आया समझ में? यस सर आ गया। तो जिस मेथड उस मेथड से करना, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलता है तो ये दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर लेना भाई। ये सेकंड और थर्ड मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर यूजिंग फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल टू एचसीएफ पूछे तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ओके सर। तो आपको एचसीएफ पहले चार क्वेश्चन करने हैं भाई होमवर्क में, 1.2 के फर्स्ट फोर क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 4। कर लोगे भाई? यस सर। यस सर कर लेंगे। आज का होमवर्क है भाई, ट्रिपल लाइव क्लास है। हाँ एक बात है भाई सुनो। यस सर बताओ।